इन लोगों को थोड़ी एडवांटेज मिली है। ब्लेड विद अ नाइस नॉक राइट देयर, एसपी जोकर को टेक डाउन किया उन्होंने। चेकर्स कर चुके 1v1 सोलो किंग वर्सेस खान 420, बिल्कुल आईडिया नहीं है प्लेयर का। वो एक सेकंड में उस प्लेयर को डाउन करते थे और बहुत अच्छे से रियलाइज भी कर लिए क्योंकि उनके बैक एंड के ऊपर भी टीम आ चुकी है। और एचएस समक को इधर इजी लॉक करते थे, काफी ज्यादा से प्लेयर अटैक करने की कोशिश, एक लॉक चार ही डाउन, समक ने दो बंदों को डाउन करते हैं, अमर को काफी ज्यादा अटैक। ओह माय गॉड, विद इन सेकंड पूरा स्क्वाड वाइप दिस अबाउट। जब साइट आती है परफॉर्म करने पे तो वो किसी को बख्शते नहीं है और उन्होंने शो किया यहाँ पे डेफिनेटली। इस वक्त नाउ दे आर फोकसिंग बैक, इस वक्त इनका वापस इतना पास आएंगे हम वाला साफ हो चुके कि 3v4 अभी 2v4 हो चुका है, बिकॉज हमने देखा कहां से रिजिस, कहां से पुशिंग किया गया, कहां से रिजिस से बैकआउट किया गया, शैक का कवर, शैक से पीछे फिर रिज से अभी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग एंड वो पीछा करते हुए आ रहे हैं। अच्छा पीछे से देखिए एसपी सिम्बा पे अटैक पे पोर्टल वाला को हो गया, सो डेफिनेटली इनके ऊपर भी एक थर्ड पार्टी हो चुकी है। सो राइट नाउ फ्लेक्स ब्लेड को इन लोगों को थोड़ी एडवांटेज मिली है। ब्लेड विद अ नाइस नॉक राइट देयर, एसपी जोकर को टेक डाउन किया उन्होंने, मुईज ने फूसम को डाउन किया, लेकिन क्या ब्लेड इधर प्रोटेक्ट कर लेंगे? यस सर, ब्लेड इज गोना टेक डाउन बैड बनी एज़ वेल, और क्या जबरदस्त उसने होल्ड ऑफ किया यार इनको। एग्जैक्टली लेकिन इधर सबसे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो चुकी है एसपी के लिए भी एंड इस स्क्वाड के लिए भी, बिकॉज नीचे पोर्टल का स्क्वाड आ चुका है, ब्लेड का क्लच, ओह माय गॉड, ब्लेड का एसपी के स्क्वाड के ऊपर क्लच, लेकिन पेस्चर इज देयर फाइनली टेकन डाउन ब्लेड। अब उनको रियलाइज भी नहीं हुआ कि इधर एक और स्क्वाड आ चुका है, लेकिन व्हाट अ परफॉर्मेंस मैन, सीरियसली हैट्स ऑफ टू सर ब्लेड। 1v1v2v2 सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, तो डेफिनेटली इस वक्त एडवांटेज तो मुझे लगता है सोलो के पास है, हाइट भी है और थोड़ा सा उनके पास कवर अच्छा बना हुआ है, और यू नो देयर यू गो, जिदान ने पीछे से एक टेक डाउन कर दिया। एग्जैक्टली, और मेरे ख्याल से ये जिदान को हम इधर मिस ही कर चुके थे क्योंकि सोलो डुओ सोलो इतने सरवाइव कर रहे हैं कि जिदान, आई डिडंट इवन रियलाइज कि जिदान बैक एंड के ऊपर मौजूद है और उन्होंने विद इन सेकंड वो वन मैन स्क्वाड कर दिया। अभी सिर्फ एसपी जोकर रह चुके जो हिमसेल्फ इज अ कंटेंट क्रिएटर, और ये जोन के अंदर जाना इनके लिए खतरनाक होगा क्योंकि एसपी जोकर डेफिनेटली फॉरन अपने किल का बदला लेने वाले एंड वेरी लो हेल्थ के साथ। इधर जिदान एक और नॉक निकालते हुए नजर आने वाले हैं बहुत जल्दी, लेकिन टेक डाउन कर देगा एसपी जोकर की तरफ से। एसपी जोकर ने वाकई दिखाया कि नहीं भाई मैं भी इतना कोई वो नहीं हूं, पीछे नहीं रह सकता, आई एम गोना शो यू कि व्हाट अ कंटेंट क्रिएटर कैन डू। लेकिन इस वक्त एसपी जोकर देखे तो फोबिया को भी टेक डाउन किया सोलो किंग, इट्स गोना बी 1v1v1, फोबिया जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन एसपी जोकर उसको नहीं जाने देगा, यहां पे उसको होल्ड ऑफ करके एलिमिनेट किया। पॉइंट्स ले रहे हैं इस वक्त, कोई पॉइंट, एक एक पॉइंट का मैटर करता है इस वक्त, डेफिनेटली टॉप पे तो है लेकिन एक पॉइंट से भी आप बड़ा कुछ ले सकते हैं, यहां पे पोजीशन चेंज हो सकती है। 1v1 सिचुएशन इस वक्त, सब लोग प्रोन हुए हैं, कोई अपनी पोजीशन को होल्ड ऑफ नहीं करना दे रहा, कोई देखने नहीं दे रहा कि कौन कहां पे है। एग्जैक्टली, और मेरे ख्याल से ये तीन सोलोस का सर्वाइव सिर्फ एक पॉइंट की बात नहीं है मतीन भाई, सर्वाइवल पॉइंट्स भी मिलेंगे। और खान 420 के ऊपर पुशिंग करते हुए एसपी जोकर, इधर एसपी जोकर को अच्छा टेक डाउन किया गया, खान 420 इधर 6 किल्स कर चुके 1v1 सोलो किंग वर्सेस खान 420, बिल्कुल आइडिया नहीं है प्लेयर का हमें, लेकिन अभी सोलो किंग की तरफ से जवाबी फायर आया जिसकी वजह से आइडिया हो चुका है कि टॉप रेंज के ऊपर मौजूद रहेंगे, कौन निकालेगा गाइस चिकन डिनर, सोलो किंग वर्सेस खान 420। खान 420 डेफिनेटली हैज टू डू इट, देखे जी इस वक्त सामने आमने सामने एंड अ स्प्रेड टुवर्ड्स सोलो किंग, और थोड़ा सा कनेक्ट हुआ बैरल का इस्तेमाल करते हुए, बहुत जबरदस्त डैमेजिंग वेपन, सोलो किंग गोना बी टेकन डाउन एंड देयर यू गो द चिकन डिनर फॉर वैरियंस, खान 420 टेकिंग इट फॉर हिज टीम यार। What a chicken dinner! And you know, still Sanhok काफी छोटा मैप है, तो शायद you know इनके सामने जो 47 खलीफा की टीम थी वो शायद वहाँ से बैकअप करें, लेकिन जहाँ तक हम बात करें यार, टीम 21 डिक्टेटर को नॉक कर दिया गया एंड डिक्टेटर को रिवाइव करना मुश्किल होगा, बिकॉज जाहिर सी बात है इनकी जो बाकी की टीम है, बाकी के जो तीन प्लेयर्स है फाइट लेने में एंगेज है। अगर बात करें कुदरत यहाँ टीपीपी लेके हुए सामने पहुंचे बंदे को एकेएम का स्प्रे देने की कोशिश की लेकिन यहाँ कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन कुदरत को अभी तक यही अपने कवर में होल्ड ऑफ करना पड़ेगा। अगेन फ्री फायर देते हुए वंस अगेन आई गेस थोड़े थोड़े धीरे धीरे बैक ऑफ करना चाहते हैं, बिकॉज खुद नॉक नहीं हो सकते, बिकॉज ऑलरेडी डिक्टेटर नॉक है, तो रिस्क लेना वर्थ नहीं, लेकिन वंस अगेन फ्री स्प्रे देने की कोशिश की, नॉक कर दिया गया लेकिन यहाँ पीछे से अगेन इनको बुलेट स्टैक कर दिया।
एग्जैक्टली। और मेरे ख्याल से जिस तरह से नॉक निकाले गए कुदरत की तरफ से काफी अच्छा मूव था, बिकॉज अगर सिंगल हैंडेडली उधर फाइट ली जाती और कुदरत अगर उस पॉइंट पे नॉक हो जाता तो उनको फॉरेस्ट एलिमिनेट भी कर दिया जाता। आर्केडियन जो कि ऑलरेडी एक अच्छा चिकन डिनर विद इनफ किल्स करते हुए नजर आए, मेरे ख्याल से ये स्क्वाड एचआर को इधर वाइपआउट करना उनके लिए काफी ज्यादा इजी था बिकॉज दे आर ऑलरेडी बूस्टेड, तो वो चीज देखने लायक रहेगी। लेकिन एचआर इधर से अच्छी फाइट लेते हुए नजर आ रही है हमें, अच्छा नॉक निकाला गया, एआरके के बंदों को भी डाउन किया गया, एचआरके भी एक टीममेट को डाउन किया गया जिसको विद इन द टाइम रिवाइव भी मिल जाएगा, बट कुदरत इज इन अ डिफरेंट स्पॉट, रिवाइव अभी के लिए मुश्किल नजर आ रहा है। एग्जैक्टली अदनान कवर। एंड मेरे ख्याल से ये जो मॉली की गई है जंप करते हुए मॉली जो की है, मेरे ख्याल से ये एक मॉली द बेस्ट मॉली एवर रहेगी, बिकॉज जहां पे जंप करते हुए जाते हैं स्प्रे अटैक करने की कोशिश की, मॉली कनेक्ट करेगी स्प्रे से बचते बचते और वो प्लेयर भी डाउन हो चुके, तो ये देखने लायक रहेगा कि ये फाइट कौन जीतेगा बिकॉज दोनों साइड्स पे इक्वली फाइट होते हुए नजर आ रही है। सामने एआरके के वॉटर्स मौजूद रहेंगे काफी ज्यादा लो हेल्थ के साथ, लेकिन यहाँ डिक्टेटर ने यू नो अपनी टीम को दोनों प्लेयर्स जमीन के सामने यहाँ होल्ड करे, इन्होंने इनकी कवर किया बहुत सारे एकियन का आइडल साइड पे देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ आर्केडियंस भी बिल्कुल रॉन्ग मूव नहीं दे रही, रॉन्ग पीक नहीं दे रही, सामने बंदे नॉक किया एंड आई गेस वॉल्ट्रक्स रिवाइव करना चाहते हैं, लेकिन इनको रिवाइव पे फोकस करेंगे तो ये खुद भी एलिमिनेट हो सकते हैं अगर और इनकी एलिमिनेशन की पूरे स्क्वाड की एलिमिनेशन हो सकती है, तो वॉल्ट्रक्स हैव टू गो फॉर द हील राइट नाउ एंड वेक्टर काफी प्यारे गन होल्ड करते थे, लेकिन वॉल्ट्रक्स को यहाँ स्पॉट कर लिया एंड यहाँ एचआर टेकर लास्ट बंदे को एलिमिनेट कर दिया अपने चार बहुत प्यारे किल कंफर्म और लेकिन वहाँ एचआर कुदरत ने बिल्कुल मौका नहीं दिया। एग्जैक्टली और मेरे ख्याल से वो जो नेड है बट साइड सबूत का ही इज द ग्रेनेडियर बट उनकी तरफ से एक नेड नॉक निकाल चुके हैं, लेकिन राइट साइड के ऊपर एक तरफ जलाल मौजूद रहेंगे, गोस की तरफ से कवर मिलता हुआ, गोस को भी डाउन कर दिया, लास्ट मैन इज स्टैंडिंग साइड के रिजॉर्व बचे में और एचआर इधर पुशिंग करता हुआ, रिजॉर्व के बचने के चांसेस टाइम मुश्किल बैकर से स्प्रे पड़ता हुआ एंड एचआर ने कॉर स्क्वाड को वाइप आउट कर दिया सेम स्पॉट के ऊपर। थर्ड पार्टी करने के लिए जो स्क्वाड उधर आया वो थोड़ा सा लेट हो चुका था जिसकी वजह से उस स्क्वाड को भी एलिमिनेट कर दिया गया एचआर की तरफ से।